नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं आनंद साइबर चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम खुल जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स पर टाइप करना होगा BG रिमूवर। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन है BG रिमूव, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव इमेज बैकग्राउंड, आप अपने इमेज का जो है फोटो का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे अपलोड इमेज, जो अपने फोटो को जो बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी फोटो का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डन पे क्लिक करना होगा। डन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो का बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताऊँगा आपको, तो वहाँ पर ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो आपको एडिट पे चले जाना है। एडिट पे चले जाने के बाद आप यहाँ से अपनी मनपसंद का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड आप यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे ये भी लगा सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो कितना अच्छा कितना यूनिक लग रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप फोटो का बैकग्राउंड एक कलर लगाना चाहते हैं, जैसे कि सिर्फ सादा कलर लगाना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करना होगा। कलर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप कलर यहाँ से लगाना चाहते हैं वो कलर यहाँ से आप चूज कर लीजिए। जैसे कि मैं ब्लू लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ब्लू पर क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो के बैकग्राउंड में ब्लू पूरा बैकग्राउंड हो गया है। तो आप यहां से फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और आप उसको अच्छे से आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।